हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएफ बैलेंस चेक करने के बारे में। यदि आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आप पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं और आप पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इसमें चार तरीका बताऊँगा पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बताऊँगा एसएमएस के माध्यम से, आप एसएमएस के माध्यम से आप कैसे अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने मोबाइल में एसएमएस वाला एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम एसएमएस वाले यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है एप्लीकेशन। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है ई पी एफ ओ एच ओ स्पेस इवेन स्पेस ई एन जी, और आपको किस नंबर पे भेजना है आपको ये भी बता दें, आपको किस नंबर पे भेजना है। ई पी एफ ओ एच ओ बीच में स्पेस रहेगा, यू ए एन स्पेस, और जिस भी भाषा में आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहेंगे उस भाषा का आपको शुरू का तीन अक्षर आपको लिखना है। जैसे हिंदी है तो आपको एच आई एन लिखना है। यदि इंग्लिश में यदि आप चाहते हो कि इंग्लिश में हमारा जो मैसेज आए तो आपको क्या करना है, ई एन जी लिखना है, आपको तीन अक्षर लिखना है। और सारी चीज़ लिखने के बाद क्या करना है, आपको ये नीचे दिया हुआ जो नंबर यहाँ पे, इस नंबर पे क्या करना है, आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे हमने एसएमएस यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, जैसे टाइप किए हैं वैसे आपको सेम टाइप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एसएमएस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको एसएमएस सेंड कर देना है। जैसे एसएमएस सेंड करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज ईपीएफओ की तरफ से आपके पास चला आएगा, उसमें आपका बैलेंस दिखाई देने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है, और यहाँ पे जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे पीएफ का जो भी बैलेंस है यहाँ पे हमारा सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे पीएफ जितना पैसा कटा हुआ है यहाँ पे हमारा नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पहले तरीके से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो दूसरा तरीका है आपको बता दें, यहाँ पे दूसरा तरीका है चेक करने के लिए, यहाँ पे उमंग, यहाँ पे एक उमंग का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। यदि आप उमंग एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे उमंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे उमंग के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं अपना पीएफ बैलेंस। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो उमंग का वेबसाइट है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जेट ओटीपी, तो आपको जेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे जेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे हम ओटीपी भरने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ई पी एफ ओ, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक न्यू पेज यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है व्यू पासबुक, यहाँ पर व्यू पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे ईवन नंबर भर लेना है। ईवन नंबर भरने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे जेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको दोबारा से ओटीपी चला जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी भरने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सबमिट का, यहाँ पे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जितने भी कंपनी में आपने काम किया रहेगा यहाँ पे आपका यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे आपको शो करने लगा, दे सकते हैं इस तरह से। तो आपने जिस भी कंपनी का अपना पीएफ बैलेंस यहाँ पर चेक करना चाहते हैं वहाँ पर आपका करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उस कंपनी का यहाँ पे जितना भी आपने काम किया रहेगा उस कंपनी का आपको यहाँ पे पीएफ बैलेंस आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देने लगा, दे सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप अपने हर महीने का चाहे तो अपना पीएफ बैलेंस इस तरह से आप चाहे तो दे सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। आपको तीसरा तरीका बता दें आपको कैसे चेक करना है, तीसरा तरीका आपको क्या करना है। तीसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ, दे सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर क्या करना है, आपको डायल करना है। इस जैसे नंबर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप डायल करेंगे
तो आपका मोबाइल से दो यहाँ पे घंटी जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फ़ोन कट हो जाएगा। जैसे फ़ोन कट होगा तो उधर से आपका उधर से मैसेज चला आएगा कि आपके खाते में कितना बैलेंस है, आपको उस मैसेज में आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये तो हो गया तीसरा तरीका। अच्छा चौथा तरीका है, आपको बता दें चौथा तरीका क्या है चेक करने के लिए। यहाँ पे पीएफ पासबुक का एक ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे ई पासबुक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पीएफ के यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल पे आप यहाँ पे आ जाएंगे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दिया है यूएएन। क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना यूएन नंबर भर लेना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है यहाँ पे पासवर्ड भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैप्चा कोड, तो जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है इस चेकबॉक्स में भर लेंगे। तो सारी चीज़ें भरने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें हमने फिल कर लिया है, उसके बाद यहाँ क्या करना है, सिंग इन वाला ऑप्शन क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे सिंग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, जो हमारा यहाँ पे पासबुक यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे पीएफ बैलेंस है यहाँ पे हमारा, इस तरह से यहाँ से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे पीएफ पासबुक डाउनलोड करने की भी देगा, और आपका आपका उसमें कितना दिन हो गया काम करते हुए, तो यहाँ पे आपको उसका डेट दिखाई देने लगेगा, ज्वाइनिंग डेट दिखाई देने लगेगा, और यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब आपको कितना दिन हो गया उसमें काम करते हुए कंपनी में। तो ये तो हो गया चौथा तरीका। आपने आपको मैं इस वीडियो में चार तरीका बता दिया हूँ पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए। आप इसमें कोई भी माध्यम से आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों मेरे दादी ये जानकारी यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे पीएफ से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो से।